चीन की चाल को चारों खाने चित करने आ रही है अमेरिका और रूस में बनी खतरनाक मिसाइल। भारतीय नौसेना का बेड़ा अब हर उस ताकत से लैस होगा जो किसी भी दुश्मन की हर चाल के लिए काफी होगा। भारतीय नौसेना के खेमे में जल्द ही अब ऐसे हथियार मौजूद होंगे जिनका कोई तोड़ नहीं है। भारतीय सेना अब सटीक निशाने को साधने और दुश्मन के ठिकानों और साजो सामान को नस्तनाबूद करने में बेजोड़ अमेरिकी और रूसी हथियारों से लैस होने जा रही है। ऐसे समय में जब यूक्रेन में अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तब भारत दोनों देशों से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत रूस से जहां क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी में है, वहीं अमेरिका से एंटी शिप हार्पून मिसाइल खरीदे जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दोनों तरह की मिसाइलें नौसेना के लिए खरीदी जा रही है। इनसे नौसेना की मारक क्षमता मजबूत हो जाएगी। भारत की इन दोनों देशों से इंडियन नेवी के लिए करीब 20 करोड़ डॉलर का मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक नेवी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था, जिसके मुताबिक भारतीय नौसेना ने रूस से 20 क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल और अमेरिकी हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की सप्लाई हासिल करने का प्रस्ताव दिया था। जानकारी के मुताबिक रूस की क्लब मिसाइल भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों दोनों पर तैनात है और लंबे समय से आयात किए जाने वाले हथियार प्रणालियों में से एक रही है। रूस की क्लब मिसाइल जल सतह पर चलने वाले युद्धपोत और पानी के भीतर पनडुब्बी दोनों से दागी जा सकती है। इस तरह की मिसाइल की लंबे समय से जरूरत महसूस हो रही थी, जबकि अमेरिका की हार्पून मिसाइल का परीक्षण हाल ही में कई युद्ध के दौरान हुआ। ये किसी भी युद्धपोत पर हमला कर उसे नस्तनाबूद करने में सक्षम है। अमेरिका के साथ हार्पून मिसाइल का सौदा 8 करोड़ डॉलर का हो सकता है। अमेरिकी संसद भारत को इस मिसाइल की बिक्री पर अपनी सहमति तक दे चुकी है। वो ये मिसाइल भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों में पहले से भी तैनात है। भारत ने हार्पून मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त उपकरण और बाकी तकनीकी सहायता दिए जाने को लेकर अमेरिका से अनुरोध किया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और रूस के बीच में जब मतभेद जारी हैं, तब भारत एक साथ रूस और अमेरिका के साथ रक्षा डील कर रहा है। जब रूस चीन के साथ अपनी दिलचस्पी को बढ़ा रहा है, तब भारत भी अमेरिका के साथ अपने सहयोग को और ज्यादा गहरा कर रहा है। अमेरिकी संसद ने उसके लिए भी स्वीकृति दे दी है। भारत परंपरागत रूप से रूस के बने हथियार इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब वो रूस पर अपनी निर्भरता चीन के कारण कम कर रहा है। इसी के चलते अब वो अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है। इसके साथ ही हथियारों का स्वदेशी उत्पादन भी बढ़ा है। इससे पहले भारतीय सेना सटीक निशाने साधने और दुश्मन के ठिकानों और साजो सामान को खत्म करने के लिए बेजोड़ अमेरिकी हेल फायर मिसाइल और पनडुब्बी रोधी MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो से लैस होने की तैयारी कर चुका था। भारत अमेरिका के साथ 2400 करोड़ के हथियारों का सौदा करने की योजना बना रहा था, जिसके तहत हेलफायर मिसाइलें और MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडो खरीदे जाने की बात सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।